मैं वर्मा जी हैं, आप चेयरमैन हैं डायमंड ग्रुप्स के। सर आज जो ये पुस्तक का आप निकाले, विमोचन हुआ मंत्री जी के द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित साहित्य में काफी, ये भारत के 75वें साल के अमृत महोत्सव में इससे ज्यादा गांधी को समझना, गांधी के बारे में जानना और गांधी के बारे में जो आग थी, एक ऊर्जा थी 1930 के आसपास की, पूरी पुस्तक आप जो लेके आए, क्या आइडिया था और लेखक के द्वारा आपकी क्या उनके साथ विचार था कि क्या लेके आए? देखिए, 4 वर्षों से हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं, राकेश पांडे जी और मैंने रिक्वेस्ट किया राष्ट्रीय अभिलेखागार में जो उनके गांधी जी के प्रतिबंधित साहित्य में पड़ा हुआ है उनको हमने खुला लिया। 4,000 फोटो लेने के बाद लगभग 4 वर्ष हो गए, और उसको इकट्ठा करने के बाद उन्होंने सेलेक्ट किया कौन सी कविता मिली है उनसे हम छापे, उसके साथ डेट टाइम और किसने छापा, किस तरीके से छापा। उस समय भी लोग ऐसे थे जो बड़े थे स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने के लिए, वो प्रकाशित करते थे, बंटवाते थे, प्रेस वाले छोटे छोटे प्रेस होते थे घरों में, वो सब जो इस तरह का साहित्य है उसमें हमें बहुत प्रभावित किया। जब मैं शुरू किया 4,000 मेरे पास ऐसे रचनाएं थे जिनमें से मैंने 300 रचनाएं इसमें छुपाई थी, कुछ पंजाबी में है, कुछ उर्दू में है, कुछ राजस्थानी में है, कुछ डोगरी में है, अलग अलग भाषाओं में। लेकिन मतलब इसमें क्या है कि एक कुतूहल होता है, एक पब्लिशर की एक मेरे अंदर ऊर्जा है, मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ नहीं छपा उसे छापा। ऊर्जा तो वो भी है सर, जब आपको पाकिस्तान से आपके परिवार पाकिस्तान आए और आपकी जिंदगी अपने आप में ऊर्जा देती है कि कैसे आपने छोटे से पटरी से पूरी एक व्यवस्था बनाई, दैट इज द इंस्पिरेशन इन दिस। क्या ये भी आपके जहन में कहीं रहा है कि भाई ये भारत की आज़ादी से जुड़ी बात है, आपकी जिंदगी में भी भारत की आज़ादी से एक बहुत, पाकिस्तान से जब आप हिंदुस्तान आए एक पूरी जिंदगी बदल गई? हाँ बिल्कुल, देखिए उस समय जो यात्रा हमारे पूर्वजों ने सही जिस तरीके से वो दुखी हुए, त्रस्त हुए, लेकिन वो उनकी जो बाधाएं समझ उसको मैं अपने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिख भी रहा हूँ। इसके अंदर मेरे जो दादाजी ने मुझे सुनाया, जो पिताजी ने सुनाया, जो माँ ने सुनाया, उन सबको अच्छे तरीके से लिपिबद्ध करके मैं किताब तैयार कर, और इसके अंदर ये सब चीज़ें, पर ये सब चीज़ें मेरे को किताब छापने का जुनून है। मैं पिछले 50 साल से एक किताब रोज छापता हूँ, 12 भाषाओं में मैंने किताबें छापी हैं और 10,000 किताबें तो ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें 15,000 से ऊपर किताबें छापी हैं। मगर मेरी मेरा जैसे है जैसे मुझे ऊर्जा मिलती है हर नई किताब छापी। इस किताब से यदि एक पन्ना, यदि वन लीफ आउट ऑफ दिस बुक, व्हाट इट वुड बी, क्या आपको प्रोत्साहित की, क्या बात आपको आपके मार्मिक सोच में आई कि जो ये पुस्तक वाकई बहुत इंग्रॉसिंग? गांधी ने जो किया, गांधी जी ने जो हमें दिया वो थी आज़ादी, उस आज़ादी को उन्होंने सत्य और अहिंसा दो शब्दों के ऊपर लड़कर हमें दिया, ये एक तोहफा था, उस तोहफे को हमने अपने तरीके से अपनी जनता को दिया है सरकार द्वारा। ये गांधी जी को एक विनम्र हमारी भेंट, ऐसी अच्छी उनके बारे में आए हैं, वो एक एक कविता पढ़ते थे, एक कविता वो उन्होंने पढ़ी, मेघवाल जी ने एक कविता उन्होंने पढ़ी, मेघवाल जी तो वो जो कविता उन्होंने इतनी प्रेरणा देती है, अगर उसको सही ढंग से पढ़ा जाए तो आपको इतना उत्साह देते हैं, इतनी प्रेरणा देते हैं कि आपका मन करता है कि पढ़ते जाओ। सर आप आज़ादी के 75वें साल में आप एक और पुस्तक लेके आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं क्या है वो अमृत महोत्सव के दौरान? अमृत महोत्सव पर एक तो पुस्तक आ रही है मेरे विचार, जब तक अनसंग हीरो, जो ऐसे हीरो जिनका अभी तक कहीं वर्णन नहीं हुआ, और एक 300 संस्मरण है आज़ादी के दीवानों के, उन संस्मरणों को हम इकट्ठा करके किताब छाप रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के संस्मरण, वो पुस्तक भी लगभग 500-600 पृष्ठ की है और बहुत सुंदर संस्मरण है, जब उनमें बालकृष्ण शर्मा नवीन भी होंगे, उसमें रामधारी सिंह दिनकर भी होंगे, ऐसे ऐसे जो आज़ादी जिन्होंने सचमुच लड़ी, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में
अनसंग हीरो कहानियाँ हैं। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू बुक विच होल वर्ल्ड इज लुकिंग फॉरवर्ड, होल ऑफ इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू आज़ादी के अमृत महोत्सव पे जो एक एक नया तोहफा आप लेके आ रहे हैं डायमंड कॉमिक्स की तरफ से।